प्यारे बच्चों, पिछले टर्न पर हमने आपको बताया था अव्ययों के प्रकार, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। आज हम उसी के क्रम में एक नया प्रकार बता रहे हैं जिसका नाम है अव्ययों की समानताएं, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स। तो देखिए, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स के लिए कंडीशन है और इस लेसन से ही प्रश्न और बोर्ड के प्रश्न बनने शुरू होते हैं। मैट्रिक्स का पहला क्वेश्चन यहीं से शुरू होता है, तो आप ध्यान से इसको देखेंगे। इसके बाद हम इस पर आपको एक्सरसाइज भी अभी आपको दे रहे हैं। पहले देखिए, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स क्या होती है। इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स के लिए कंडीशन है कि दो मैट्रिक्स इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स तभी कहे जाते हैं जबकि उनके क्रम या ऑर्डर आपस में बराबर हो, और दूसरा क्या, उनका संगत मतलब कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी आपस में बराबर हो। जैसे यदि पहला मैट्रिक्स 2x2 का है तो दूसरा मैट्रिक्स भी 2x3 का ही होना चाहिए। इसमें क्या होगा, यदि पहले मैट्रिक्स का पहला एलिमेंट मतलब पहले पंक्ति का पहला कॉलम a11 दूसरे के a11 के इक्वल हो तभी दोनों मैट्रिक्स आपस में समान कहे जाते हैं। दो चीजें हो गई, उनके क्रम बराबर हो और उनके संगत अवयव भी आपस में बराबर हो। इसी को नोटेशन के फॉर्मेट में भी लिखा जाता है कि aij m x n bij m x n, देन a=b। अब आइए इसी पर हम आपको यहां से लिख करके दिखा रहे हैं, प्लस एक दो एग्जांपल भी दिखा रहे हैं। आप जरा इधर ध्यान से देखिए। ओके, आइए देखिए, इधर हम क्या लिखे हैं, पहले से देखिए लिखे है ना, अव्ययों की समानता। क्या है अव्ययों की समानता में, कि दो अव्ययह समान अव्ययह कहलाते हैं यदि दोनों अव्ययों में क्रम समान हो, और दूसरा क्या लिखा हूं, संगत अवयव समान हो। इसी को हमने यहां लिखा है नोटेशन में कि aij m x n bij m x n, ये दोनों समान कहलाते हैं। कब, जबकि देखो लिखा हूं a11 पहला पंक्ति का पहला स्तंभ, ध्यान रहे बार बार कह रहा हूं पहले पंक्ति, फिर दूसरे का 111, इसका a22 इसका क्या हुआ b22, इसका a12 तो इसका भी b12, इसका a13=b13। मतलब ये ध्यान रखना है कि कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट आपस में बराबर होते हैं। इसको और अच्छा समझने के लिए हमने एक एग्जाम्पल भी लिख रखा है कि यदि 3x-2 4y-8 z-2 a+11 10 at 11 9, तो xyz और यहाँ एक कमा लगाते थे xyz और a का मान ज्ञात कीजिए। देखो इसका पहला पंक्ति का पहला स्तंभ 3x-2 है, यहाँ क्या है 10 है, तो 3 क्या किया, संगत अवयवों की तुलना कर दिया, 3x-2=10, तो x=4। इसका देखिए 4y-2 पहले पंक्ति का दूसरा कॉलम, इधर भी है पहले पंक्ति का दूसरा कॉलम 8, तो 4y-8=8, सॉल्व किया y=4। z-2 दूसरा पंक्ति का पहला कॉलम, यहां देखिए दूसरा पंक्ति का पहला कॉलम 11 है, तो z-2=11, देन z=13। a+11=9, तो a=-2। क्लियर, ये हमेशा आपको ध्यान रखना है कि संगत एलिमेंट आपस में बराबर होंगे तो आप उनकी तुलना करके अज्ञात राशियों के मान ज्ञात कर सकते हैं। उसके बाद एक नया है कि यदि aij 2x3 लिखना है आपको, जहां aij=2i-3j। अब जरा देखो यहाँ लिखा है 2x3, हम 2x3 मतलब दो पंक्ति और तीन स्तंभ का आपको अव्ययों बनाना है, तो हमने यहाँ लिख दिया a=a11। देखो यहाँ दो पंक्ति हुआ और स्तंभ कितने हुए, तीन हो गए, a11 a12 a13 a21 a22 a23, हमने यहाँ लिखा है। अब यहाँ देखो यहाँ क्या लिखा है aij, अब i की वैल्यू एक बार 1 भरेंगे, j की वैल्यू 1 भरेंगे, तो पहला एलिमेंट मिलेगा। इसी को हम यहाँ बना करके रखे हैं, ध्यान दो क्या लिखा हूँ, aij 2i-3j, तो a11 माने जब i की वैल्यू 1 j की वैल्यू 1 तो -1 हुआ, a12 i की वैल्यू 1 j की वैल्यू 2 तो ये मिला, a13 सारी वैल्यू हम निकाल रखे हैं और इन्हीं सभी वैल्यूओं को कहां पुट कर देंगे ए में, ये तीनों, तो क्या बना -1 -4 -7 1 -2 -3, तो इस 2x3 का अव्ययों आपको मिल गया। ठीक।
ठीक। इसी तरह से और भी एग्जाम्पल है कि ए इज इक्वल टू एक्स वाई एक्स वाई जेड के, और यहाँ दूसरा मैट्रिक्स आप क्या करते हो बी बराबर क्या लिखोगे 1 2 3 4, ये जब दो जब ए इक्वल टू बी होगा तो आप डायरेक्टली कंपेयर करके एक्स इक्वल टू 1 वाई इक्वल टू 2 जेड इक्वल टू 3 और के इक्वल टू क्या लिख सकते हो 4, तो यह क्या है अव्यहों की समानता। ये दो एग्जाम्पल हम आपको दिए हैं, ये दोनों एग्जाम्पल के आधार पर अभी हम आपको एक्सरसाइज भी दे रहे हैं, आप उसको करिए, जो नहीं आता है वो हमसे आप पूछिए, ठीक है। तो आपको एक्सरसाइज करना है, जो भी क्वेश्चन आपको नहीं आते हैं आप हमसे पूछिए, हम उसको करके आपको भेजेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग आगे पढ़ेंगे अव्यहों की संक्रिया, ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स, जिसमें दो मैट्रिक्स का जोड़ घटाना गुणा इत्यादि बताया जाएगा। ओके।